एवरी वन आज हमारा पी पी एस सी केमिस्ट्री जनरल नॉलेज का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करते हैं ट्वेंटी परसेंट जनरल नॉलेज तमाम सब्जेक्ट के जो कि हमारे पी पी एस सी टेस्ट में आए होते हैं हर टेस्ट में ही आ रहे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एस दो तो ये जो आपकी एमसीक्यूज हैं वो इस्लामियत है इंग्लिश उर्दू पाक अफेयर्स करंट अफेयर्स जनरल साइंस सबसे आए होते हैं तो हम डिस्कस करते हैं आए जी अपना लेक्चर थर्ड तुम्हारा पहला एमसीक्यू है जनरल साइंस से डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वन पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो हमारा राइट right ऑप्शन है जी ए ऑप्शन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर होती है क्वेश्चन टू आपका मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सन इज स्टार थर्ड एमसीक्यू है गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर आपके पास रेफ्रिजरेटर तो uh, right में जो गैस यूज होती है पानी को ठंडा करने के लिए वो कौन सी होती है टेट्रोफ्लोरोन मीथेन सीओ टू नाइट्रोजन सो राइट ऑप्शन है

इन हज टचिंग ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड कि हज के दौरान ब्लैक स्टोन को जो छूना होता है उसको आप क्या कहते हो उसको आप कहते हो इस्तिलाम क्स्ट टाइम से क्यों है विद सूरा जिसमें वजुसल और तय्यम के अहकाम दिए गए थे तो आपके पास ऑप्शन है अलमाइदा तो राइट ऑप्शन है सूरत मैदा सूरत मैदा में सारा प्रॉपर आपको डिटेल्स या वजो और के बारे में कहा गया था इनफैक्ट तयम तयम भी जिक्र जो किया गया था वो सूरत मायदा में किया गया था आयात नासिर हुई थी जब आप सफर पे थे और

फर्स्ट रोमन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर कौन सी बनी थी बेगम लियात डॉक्टर शमशाद अख्तर फर्जाना राजा या डॉक्टर अशरफ अब्बासी तो राइट ऑप्शन इज था डॉक्टर शमशाद अख्तर क्वेश्चन नाइन जी है मीरपुर इज़ द फेमस सिटी ऑफ मीरपुर पाकिस्तान की किस अः फेमस अः सूबे सिटी है फेमस जो कि किस सूबे में है पंजाब में है आजाद कश्मीर में है केपी के में है या सिंध में है तो मीरपुर इज द फेमस सिटी ऑफ आजाद कश्मीर When was Nehru Pact between India and Pakistan signed? पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत फेमस पैक्ट है, है जिसको आप कहते हो लियाकत नेहरू वो कब साइन किया गया था उन्नीस सौ पैंठ में उन्नीस सौ साठ में उन्नीस सौ पचपन में या उन्नीस सौ पचास में सो राइट ऑप्शन इज नाइनटीन फिफ्टी

क्वेश्चन ट्वेल्व है आपके पास कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड कौन से मुल्क को लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड या जजीरों की दुनिया कहा जाता है तो बहुत इजी है इंडोनेशिया मलेशिया हांगकॉन्ग या थाईलैंड सो so राइट right ऑप्शन इज इंडोनेशिया इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आईलैंड पाए जाते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड आईलैंड दो हजार तेईस पाकिस्तान की कौन सी प्रोविंशियल असेंबली को डिजोल्व किया गया था अभी रिसेंट बारह अगस्त दो हजार तेईस में कश्मीर सिंध बलोचिस्तान पी के आ, अभी करंट अफेयर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपका आ सकता है पॉसिबिलिटी है तो जी बलोचिस्तान के प्रोविंसल असेंबली को डिजोल्व किया गया था अभी अगस्त में रूटर्स इज अस न्यूज एजेंसी है किस मुल्क की है तो आपके पास राइट right ऑप्शन है जी यूके की है ये फेमस बुक है आपके पास मीरातुलरूस मैं बहुत बार mm -hmm. दो बार अब आ चुके हैं आपके पास पीपीएससी में पास पेपर्स में तो मीरातुलरूस जो है वो किस की लिखी गई किताब है डिप्टी नजीर अहमद की बानो कु की उमेरा अहमद की अब्दुल्ला हुसैन की मिलातुलरूस जी डिप्टी नजीर अहमद की बहुत फेमस किताब है आपके उर्दू में नाम आई डोंट नो आई थिंक सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इसका एक पार्ट भी दिया गया है करेक्ट uh, आपने प्रशन बतानी है बेड तो इसका राइट ऑप्शन है बेड जब भी आपने बेड के साथ के ऊपर जम्प करना है तो उसके प्रॉपर प्रपोजिशन आप यूज करते हो ऑन टू 1.5 लाइन स्पेसिंग देनी है जी आपने वर्ड में तो आप कौन सी शॉर्ट uh, की यूज करते हो

तो आपको पास पहले सीनोनिम पता होगा तो एंटोनिम बता सकोगे तो रुकावर्ट हर्डल को कहते हैं तो किसी चीज को गुजर जाने को हम क्या कहेंगे उसका एंटोनिम तो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा एसिलेट विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर के ऑप्शन पोर्शन से लिया गया है कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर सो लेजर इज द टेक्नोलॉजी डेट इज यूज इन द कॉम्पैक्ट डिस्क